आज वात्सल्य वाटिका प्राथमिक पाठशाला कुरुक्षेत्र के आचार्य परिवार और छात्रों ने डिवाइन सिनेप्लेक्स में 48 कोस फिल्म देखी। फिल्म को देखकर छात्रों ने कहा कि ये फिल्म हमारे कुरुक्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और हमारी संस्कृति को दर्शाती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव चौधरी ने कहा कि हम सभी को 48 कोस फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को देखकर पता चलता है कि पुराने समय में गुरुकुल कैसे होते थे, उसकी रीति नीति का पता चलता है। वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र में गुरुकुल पद्धति ही अपनाई जाती है। वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक हरिओम दास प्रिवाजक ने कहा कि वे इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हैं। और इस मौके पर गौरव चौधरी ने बताया कि वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक स्वामी हरिओम दास प्रिवाजक भी निस्वार्थ भाव में सेवा समर्पण से सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। इस फिल्म से श्रीमद् भागवत गीता पुराण का संदेश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आभार करना चाहूंगा यश बाबू एंटरटेनमेंट के निर्माता, निर्देशक, लेखक राजेंद्र वर्मा यश बाबू का, जिन्होंने वात्सल्य वाटिका के संस्थापक और उन्हें और उनके छात्रों को इस फिल्म में काम करने का भी अवसर दिया। और इसके साथ साथ वे निवेदन भी करेंगे राजेंद्र वर्मा से कि आगे ही भी ऐसी ही फिल्में बनाकर समाज को समर्पित करें, जिससे समाज में जागृति पैदा हो। फिल्म निर्माता राजेंद्र वर्मा यश बाबू ने वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र में अपनी फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा किया है। बड़े पर्दे पर अपने गुरु और आचार्यों को देखकर छात्र भी काफी खुश हुए। और पहली बार यश बाबू एंटरटेनमेंट राजेंद्र वर्मा ने स्कूली बच्चों को बॉलीवुड में काम करने का मौका भी दिया। इस अवसर पर वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के कोषाध्यक्ष संत राजेंद्र सिंह, विद्यालय प्रधानाचार्य गौरव चौधरी, विद्यालय आचार्य परिवार सोनिया अग्रवाल, शिवानी शर्मा, विजय लक्ष्मी, पूनम सलूजा, परविंदर कौर और कर्मचारी रेणु यादव और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मूवी से समाज को बहुत बड़ा संदेश मिलने जा रहा है और मैं कहना चाहूँगा हर समाज, हर व्यक्ति ने इस फिल्म को देखना चाहिए। धार्मिक फिल्म है, सांस्कृतिक फिल्म है और यश बाबू एंटरटेनमेंट रविंद्र वर्मा जी ने इसमें जो कलाकार लिए हैं वो समाज से ही कलाकार लिए हैं और समाज को बहुत बड़ी भूमिका इस फिल्म ने बनाई है। और हम सभी को इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, अधिक से अधिक देखना चाहिए। और आज वात्सल्य वाटिका भी एक प्रकल्प है गुरुकुल की तरह, जो गुरुकुल इसमें दिखाया गया है और पंकज बेरी जी ने उसके आचार्य संस्थापक रहे हैं। ऐसे ही वात्सल्य वाटिका कुरुक्षेत्र के संस्थापक परम पूज्य स्वामी जी का भी निस्वार्थ भाव से समर्पण और त्याग की भावना है, वैसे ही वात्सल्य वाटिका गुरुकुल के परिधान पर है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा रविंद्र वर्मा जी का कि जिन्होंने वात्सल्य वाटिका के छात्रों को और उनके संस्थापक प्रधानाचार्य को इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। और निवेदन करूँगा आगे भी ऐसी फिल्म वो समाज को समर्पित करें। कोई एक मैसेज सर अगर आप जनता तक देना चाहें? मैं जनता तक यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जितने भी सनातन धर्म को मानते हैं इस फिल्म को जरूर देखें। और इस फिल्म को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पुराने गुरुकुल कैसे थे, कैसे वो चलते थे, कैसे उनमें आचार्य थे। मैं ये कहना चाहूँगी यश बाबू ने इस पिक्चर में जो दिया है मौका, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और पिक्चर बहुत ही अच्छी है और सब लोगों को इसमें देखना चाहिए। मैम, इस मूवी में क्या सीखने को मिला? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। इस फिल्म में मैंने देखा है कि किरदारों को जिसमें देखा कि जो जिसका किरदार क्रिमिनल का था वो अच्छा निकला, वो जो अच्छा था वो क्रिमिनल। इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि आपको ना जो बॉक्स पाना है उसके लिए मतलब दान की जरूरत नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर काम नहीं करना, आपको हर काम को जो है ना दान की अपेक्षा से। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि मतलब आपको सेवा करने के लिए जरूरत नहीं कि पैसे लगाना, आप हर काम को सेवा के पास। किरदार भी उसने बहुत ही अच्छे निभाए हैं, जिसमें से एक किरदार मेरी बुआ ने भी निभाया है, जूरी की मम्मी का, वो बहुत ही अच्छा लगा देखने का कि मेरी बुआ है। बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अच्छा लगता है, जैसे कि इसमें एक सीन दिखाया गया था कि बच्चे बिना पूछे चले गए थे, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना किसी बिना पूछे नहीं जाना चाहिए और पूछ के सब कुछ चलना चाहिए। जी मैम। हाँ जी, मेरा नाम उषा कौशल है।
मैं इस पिक्चर में जूरी की मम्मी बनी हुई हूँ और यश बाबू जी ने इस पिक्चर में मुझे रोल दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलमोस्ट पिक्चर सारी बहुत अच्छी है, सब करेक्टर्स ने अपना अपना बहुत अच्छे से रोल निभाया है और सबको ये पिक्चर देखनी चाहिए और सबको देख के वाह वाह होनी चाहिए। अपने अपने कुरुक्षेत्रा की ये पिक्चर है, यश बाबू भी अपने ही हैं।